शीघ्र ही रुख करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान में भीषण गर्मी का कहर लगातार जारी। सिंध के बस अड्डे पर हरिद्वार से आई एक महिला भीषण गर्मी से बेहोश हो गई। बाद में उसे 108 एम्बुलेंस से तुरंत SMS अस्पताल ले जाया गया। मौके पर मौजूद ड्यूटी ऑफिसर मनीष यादव ने तुरंत महिला को संभाला और अस्पताल भिजवाया। राजस्थान विश्वविद्यालय में आज कुलपति भवन के सामने छात्र अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते नजर आए। दरअसल छात्र नेता निकेश शर्मा ने आज विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्रों की अनेक प्रकार की समस्याओं को लेकर कुलपति सचिवालय भवन पर धरना दिया। छात्र नेता निकेश शर्मा ने बताया कि विश्वविद्यालय में अनेक समस्याएं हैं, जिनमें प्लेसमेंट सेल उपलब्ध कराए जाए, छात्र संघ चुनाव कराए जाए, महाविद्यालय में बैठकर पढ़ने के लिए लाइब्रेरी उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने ऐसी ही और मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। जयपुर के PCC कार्यालय में देश के पहले PM जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि मनाई गई। कार्यक्रम में पूर्व CM अशोक गहलोत भी पहुंचे। गहलोत ने मीडिया से बात करते हुए भजनलाल शर्मा का समर्थन किया। गहलोत ने कहा कि भजनलाल शर्मा निडर होकर काम करें, दिल्ली के दबाव और RSS हेडक्वार्टर के दबाव में काम नहीं करें। CM की कुर्सी सब कुछ सिखा देती है। मैं भी पहली बार CM बना तो कहा गया कि कैसे सरकार चलाएगा, लेकिन मैंने सरकार चलाया। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट राजस्थान में कुछ भी हो, इसमें भजनलाल जी की क्या गलती, उनको तो राज करने का समय कहाँ मिला। मैं चाहता हूँ भजनलाल जी 5 साल सरकार चलाएं। प्रदेश में प्रचंड गर्मी का प्रकोप जारी। नौतपा के दूसरे दिन भी प्रदेश के लगभग सभी जिलों में भीषण गर्मी के साथ लू चलती रही। राजस्थान के फलोदी में 49.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। बाड़मेर का अधिकतम तापमान भी 48.3 डिग्री सेल्सियस रहा। प्रदेश के 10 जिले ऐसे रहे जो रविवार दिन का तापमान 47 डिग्री सेल्सियस के ऊपर दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का आलम जारी रहेगा। अघोषित विद्युत कटौती को लेकर ऊर्जा मंत्री हीलालाल नागर का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार की नीतियों के कारण ही प्रदेश में बनी हुई है बिजली कटौती समस्या। उनके द्वारा खरीदी गई बिजली को MU के अनुसार अभी लौटाना पड़ रहा है, जबकि इस समय राजस्थान में गर्मी का भीषण समय। आने वाले समय में राजस्थान बिजली खरीदने वाला नहीं, बिजली बेचने वाला होगा। बता दें, नागर कोर्ट में आयोजित धाकर समाज कार्यक्रम संबोधन के दौरान उन्होंने ये बयान दिया। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने PM मोदी के भगवान वाले बयान को लेकर ट्वीट कर RSS से सवाल किया कि क्या वो PM मोदी को भगवान का अवतार मानते हैं। इसको लेकर वो अपना रुख स्पष्ट करें। बता दें, इससे पहले भी इसी को लेकर बंगाल की CM ममता बनर्जी और राहुल गांधी भी तंज कस चुके हैं। दिल्ली में एक बेबी केयर सेंटर में भीषण आग लग गई। हादसे में 7 बच्चों की मौत हो गई। 5 का इलाज जारी है, 1 की हालत नाजुक है, तो वहीं 12 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। अस्पताल के मालिक नवीन खिंची और डॉक्टर आकाश को 30 मई तक 3 दिन की पुलिस हिरासत में भेजने के बाद विवेक विहार पुलिस स्टेशन लाया गया। दिल्ली के आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में CM अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत खत्म होने वाली है। उन्हें 2 जून को सरेंडर करना है। हालांकि आत्मसमर्पण से पहले अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। उन्होंने अपनी अंतरिम बेल को 7 दिन तक और बढ़ाने की मांग की है। राजकोट गेमिंग जोन में आग में झुलसने से करीब 35 लोगों की मौत हो गई थी। इसको लेकर गुजरात सरकार ने एक्शन लिया। इस मामले में नगर निगम के अधिकारी और पुलिस अधिकारी समेत 7 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और RJD नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री जी की भाषा का स्तर इतना गिर चुका है कि कोई भी उनका भाषण सुनना नहीं चाहता। क्या बात करते हैं, मंदिर मस्जिद मछली मटन मुजरा, ऐसी बातों का वो जिक्र करते हैं, ये उनके लिए मुद्दा है। हम पढ़ाई दवाई कमाई गरीबी बेरोजगारी महंगाई की बात करते हैं। सुनिए तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा। तो काम की बात करते हैं और प्रधानमंत्री जी की भाषा का स्तर इतना गिर चुका है कि कोई भी परिवार का लोग बैठ करके उनका भाषण नहीं सुनना चाहता, कोई भाषण नहीं सुनना चाहता। क्या बात करते हैं, मंदिर मस्जिद मछली मटन मुजरा, ऐसी ऐसी बातों का वो जिक्र करते हैं, ये उनके लिए मुद्दा है। हम बात करते हैं पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई गरीबी के बारे में बात करते हैं, बेरोजगारी के बारे में बात करते हैं, महंगाई के बारे में बात करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी को बिहार आकर के गाली देना है, लालू जी को गाली देंगे, तेजस्वी को गाली देंगे, राहुल जी को गाली देंगे, इतनी मर्यादा गरिमा प्रधानमंत्री पद का कम से कम रखना चाहिए था। इनसे बड़ा झूठा प्रधानमंत्री और कोई नहीं है। विश्व में अगर सबसे कोई झूठा प्रधानमंत्री है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी जी है।
आज खबर दिनभर में इतना ही। दिनभर की तमाम खबरों के साथ आप सबसे रूबरू होंगे। शुक्रिया।